आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी ने शनिवार को दावा किया कि वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना एक गलत निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां गई थी वहां दंगे हुए थे। संवाददाता के अनुसार ओवैसी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए दंगों में हुई मौतों की संख्या से जुड़े कथित आंकड़ों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, जहां जहां लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई वहां वहां हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रही है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान आडवाणी ने देश की विभाजन के लिए जिम्मेदार MA जिनकी प्रशंसा की थी। ओवैसी ने कहा, बाबरी मस्जिद की शहादत उनकी मौजूदगी में हुई थी जब वह गृह मंत्री थे, तब 2002 में दंगे हुए थे। हम इसे भारत रत्न देना गलत फैसला मानते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।